लिए गरीबों के लिए समर्पित सरकार है और इस वर्ष को हम उसी रूप में मना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर बड़ी संख्या में करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी आकर के बसे हैं और वह बांग्लादेशी घुसपैठे हमारे संसाधनों पर, जो संसाधन हम अपने देश के गरीबों के लिए समर्पित कर रहे हैं, उन संसाधनों पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। मेरा यह निवेदन रहेगा कि इस प्रस्ताव में बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हमारे संसाधनों पर लगातार कब्जा कर रहे हैं उसके बारे में एक ठोस प्रारूप बना करके और उस दिशा में हम आगे की कार्रवाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। रघुनंदन चौरसिया जी। परम सम्मानित मंच, सम्मानित सदन, मान्यवर, उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस वितरण हो रहा है उसमें जो सूची है उस सूची में इतनी गड़बड़ियां हैं कि उसका लाभ जितना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। रघुनंदन जी, अभी प्रस्ताव पर सीमित रहे जी, आपका बात ध्यान में आ गया। ठीक। दूसरा एक सुझाव है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना, इस नाम से उसको किया जाए। इससे समाज के लोगों को हमारे नेता की जानकारी होगी और हमारे परिवार को, पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। सम्मानित अध्यक्ष जी, श्रद्धेय मंच, बहुत अच्छे अच्छे अच्छी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसका मैं तहे दिल से समर्थन करता हूं। लेकिन जिस तरह से गरीबों के बीच में नशा का प्रचार है, नशा खोर हैं, उसको रोकने से ही समाज में, समाज का सर्वांगीण विकास होगा। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ऐसा अभियान चलावे ताकि लोग नशाबंदी के पक्ष में हों और इस पर गहराई से हम लोग विचार करें। दूसरा एक मेरा सुझाव है कि फर्टिलाइजर खाद से आमदनी तो बढ़ती है, लेकिन आज खाद से बहुत तरह की बीमारी जो है गांव में या शहरों में हो रहा है। आज कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब फर्टिलाइजर की देन है। इसके स्थान पर जैविक खाद बने ताकि फसल हम लोगों को ज़्यादा मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं यह प्रस्ताव को सदन के सामने सदन के अनुमोदन के लिए रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें उची फेरबदल श्री राम माधव जी और भूपेंद्र यादव जी करकर, नितिन गडकरी जी से परामर्श करकर इसको अंतिम स्वरूप देंगे। अब मैं श्री रामलाल जी को निमंत्रित करता हूं आगे की कार्यवाही के। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच व उपस्थित सभी राष्ट्रीय प्रतिनिधिगण, अभी भोजन से पूर्व एक दो पुस्तकों का विमोचन होगा और इसी तरह से एक दो तीन मिनट की और एक लगभग 12-14 मिनट की एक फिल्म दिखाई जाएगी। मैं उसकी चर्चा आप सबसे करता हूं। हम सबको मालूम है कि केरल में अनेकों वर्षों से कितना संघर्ष चला है। कल की सार्वजनिक सभा में स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इसकी चर्चा की थी। समय समय पर भी हम लोगों को समाचार मिलते रहे। दिल्ली में भी एक बार हम लोगों ने प्रदर्शनी लगाई थी। कुछ अपेक्षा न रखते हुए, सरकार है या नहीं है, आएगी इसकी संभावना भी नहीं, तो भी एक विचार के लिए और कार्य के लिए केरल के कार्यकर्ता किस दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ खड़े हैं, इसका परिचय इससे मिलता है कि अनेकों जिलों में
उन पर हमले होते हैं, उनको घायल किया जाता है, इतना ही नहीं उनकी हत्याएं की जाती हैं। और कई हत्याएं तो इतनी जघन्य है कि परिवार के लोगों के साथ की जाती है। यहां एक बात आप सबको और बताना आवश्यक है, शायद बहुत सोच समझकर यह हो रहा होगा, कई परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों के युवाओं की जो हत्या हुई है वो उस परिवार में अकेले पुत्र हैं। लगातार ऐसी कई हत्याएं हुई हैं जो परिवार में अकेला पुत्र है। एक इस ढंग से जघन्य हमले और हत्याओं का दौर यहां पर चल रहा है निरंतर, उसके बाद भी कार्यकर्ता हिम्मत से खड़े जूझ रहे हैं। प्रदेश और केंद्र की पार्टी भी लगातार उनका साथ देती है। हमारे देश भर से आए राष्ट्रीय परिषद के कार्यकर्ताओं को इन बातों की पूरी जानकारी मिले, इसलिए आहुति नाम से एक पुस्तक तैयार की गई है, जिसमें अभी तक इस प्रकार की जो हत्याएं हुई हैं उनका वर्णन है, उनके कारण है और उन परिस्थितियों का भी जिक्र है। यहां ये बताना आवश्यक है, अकेला कन्नूर जिला ऐसा है जिस कन्नूर जिले में लगभग 89 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, अकेले एक डिस्ट्रिक्ट में 89 वर्कर्स की हत्या हुई है, बाकी तो पूरे केरल में ये संख्या बहुत अधिक है। ये पुस्तक आप सबको भी प्राप्त होगी। ये पुस्तक के जो दो लेखक कार्यकर्ता है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मंच पर आए और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री ने इसकी स्वीकृति दी कि इस पुस्तक का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो, जिससे पूरे देश भर के कार्यकर्ता इसकी गंभीरता को समझ सकें। हमारे दोनों कार्यकर्ता हैं श्री विनु कांदिगिल और श्री संजू सदानंदन, वो दोनों मंच पर आएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस पुस्तक का विमोचन संपन्न होगा। एक बार पूरे केरल के कार्यकर्ताओं का कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करिए, उन्होंने जिस हिम्मत साहस के साथ केरल में संघर्ष किया है और इस विचार की लौ को जला करके रखा है जनसंघ से आज तक, एक बार पीछे तक कार्यकर्ताओं के द्वारा कर्तव्य ध्वनि हो। हमारा प्रयास रहेगा कि सभी कार्यकर्ताओं तक ये पुस्तक पहुंच सके। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। एक दूसरी पुस्तक का विमोचन है, हमारी वैसे तो केंद्र सरकार के साथ साथ सभी राज्य सरकारें दीनदयाल जी के स्वप्नों का भारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, गरीबों के कल्याण के अनेक प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं और उसका परिणाम यह है कि हमारी कई सरकारें लगातार चुनकर आ रही है। ये छोटी बात नहीं होती, एक बार जीत जाना लेकिन दोबारा जीत कर आना जो जनप्रतिनिधि बैठे वो जानते हैं कि बड़ा कठिन होता है। तो तीन तीन बार सरकारें बनी हैं, तो विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक प्रयास किया है, जो वह 13 वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए राज्य सरकार ने विशेष रूप से पंडित दीनदयाल जी के विचार और व्यवहार की इस यात्रा को एक पुस्तक के माध्यम से, वहाँ के एक प्रमुख पत्रकार है अपने से संबंधित उनके हैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, उन्होंने इस पुस्तक को एक स्वरूप दिया है। मैं हिमांशु द्विवेदी जी और वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से अपेक्षा करूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन दोनों पुस्तकों का विमोचन करें। मैंने कहा हमारी सभी प्रदेश सरकारें बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ ने अपने 13 वर्षों के विशेष रूप से गरीब कल्याण से जुड़े विषयों को इस पुस्तक में समायोजित करने का प्रयास किया है। एक बार छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए, छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार कर्तव्य ध्वनि के साथ छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं की आप हिम्मत बढ़ाइए। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, डॉक्टर रमन सिंह जी,
हिमांशु जी, मित्रों आप सबको एक विषय की जानकारी है, जब हम पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जन्म शताब्दी मना रहे हैं और उसमें गरीबों के कल्याण की बात कर रहे हैं, जो वंचित वर्ग है, जो उपेक्षा का शिकार है, वो चाहे हमारे एससी समाज के हों चाहे एसटी समाज के हों, उसी में एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है जो किसी ना किसी कारण से उसके शरीर में कोई कमी रह गई, उसको अभी तक विकलांगों के नाम से जाना जाता था। माननीय प्रधानमंत्री ने उनकी पीड़ा को पहचाना और आप सबने सुना ही है, माननीय प्रधानमंत्री ने उनको एक नया नामकरण किया, दिव्यांग। तो हमारे ऐसे बंधु भी जो किसी भी कारण से उपेक्षित है, पीड़ित है, वो भी सम्मान का अनुभव करें, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति का भी इसका परिचायक है। उन्होंने दिव्यांग शब्द देकर ये बताने का प्रयास किया कि किस ढंग से हम जो कमजोर से कमजोर नीचे के उस पर खड़ा है उसको भी किस ढंग से ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वयं की इच्छा नहीं रहती कि उनके जन्मदिन को कोई अलग एक उत्सव और इस रूप में मनाया जाए, वो हमेशा कोई ना कोई विशेष पहल जन्मदिन के अवसर पर सेवा कार्य के लिए करते हैं। पूरे देश भर में हम लोगों ने भी, कार्यकर्ताओं ने उस जन्मदिन को एक सेवा कार्य के रूप में मनाया, लेकिन उस दिन विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर जो हमारे ऐसे दिव्यांग कुछ भाई बहन थे, वो माननीय प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं देने के लिए जन्मदिन पर आए थे, उसका एक छोटा वृत्तचित्र आपके समक्ष प्रस्तुत है, यहाँ स्क्रीन पर आप सब देख सकेंगे। और दिव्यांगों के मन में इस शब्द मात्र से कितना सम्मान और कितना एक आत्मगौरव का भाव निर्माण हुआ है, इस सब की अनुभूति आप कर सकेंगे। मैं जो फिल्म दिखाने वाले बंधु हैं उनसे आग्रह करूंगा कि फिल्म का प्रसारण करें। तो धरा कमजोर हो गया,
बहुत कम समय की फिल्म थी लेकिन आप सबने अनुभव किया। मैं पूरी राष्ट्रीय परिषद से आग्रह करूंगा कि दिव्यांगों के उत्थान और सम्मान के जो प्रयास चल रहे हैं एक बार इस राष्ट्रीय परिषद के माध्यम से देश भर के दिव्यांगों को यह संदेश जाए आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से कि पूरी भारतीय जनता पार्टी दिव्यांगों के साथ है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी में दिव्यांगों के उत्थान के लिए अपनी कोई कसर हम उठाकर नहीं रखेंगे। मित्रों, एक फिल्म का प्रदर्शन और होगा, मैं थोड़ा उसकी भूमिका आप सबके सामने रख देता हूं क्योंकि आज एक सीमित समय है। हमको भोजन के पश्चात, लंच के पश्चात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी के उद्घाटन समारोह के लिए एकत्रित होना है। उस समय कुछ बैठने की भी व्यवस्था बदलेगी, वो भी बाद में मुरलीधर राव जी आप सबको बताएंगे। यहां भोजन की विशेष व्यवस्था की गई है, उसके बारे में भी वो आप सबसे चर्चा करेंगे। इसलिए आगामी कार्यक्रम उन सबकी रूपरेखा इस समय हम राष्ट्रीय परिषद में प्रस्तुत नहीं कर रहे। अभी दो दिन राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन की बैठक संपन्न हुई। इसमें हमने संगठन की प्रगति, इसकी चर्चा की, आगे के कार्य और कार्यक्रम इनके बारे में भी चर्चा की है, उसकी दिशा क्या होगी। ये भोजन के पश्चात के सत्र में स्वयं माननीय अध्यक्ष जी आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हम लोगों ने तय किया था कि इस राष्ट्रीय परिषद में एक दो फिल्म ये आप सबको दिखाई जाए, दो ऐसे चलचित्र आपको दिखाए जाए। एक पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के व्यक्तित्व से संबंधित है, इसलिए जब पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जन्म शताब्दी का उद्घाटन समारोह होगा तब वो वृत्त चित्र आप सबको देखने को प्राप्त होगा। लेकिन विशेष रूप से एक और ऐसा लघु चित्र चित्र कथा बनाई गई है जिसमें विशेष रूप से दीनदयाल जी के विचारों के प्रकाश में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सभी जनप्रतिनिधि, हमारी प्रदेश सरकारें और विशेष रूप से केंद्र सरकार, चाहे वो माननीय अटल जी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए बन हो, चाहे देश और दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली आज की वर्तमान केंद्र की सरकार हो, उन्होंने दीनदयाल जी के विचारों के प्रकाश में किस तरह से योजनाओं की शुरुआत की है। अलग अलग प्रदेश सरकारों की भी इसी तरह से एक चित्रपट बनेंगे, लेकिन विशेष रूप से जो गरीबों के कल्याण से संबंधित योजनाएं बनी है, जो इस प्रकार की उपलब्धियां हुई हैं, उनको दिग्दर्शित करते ये फिल्म है। इस अवसर पर बहुत लंबी भूमिका न रखते हुए मुझे आप सब से इतना ही बताना है, आप सबको ध्यान में होगा माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनते समय उन्होंने एक वाक्य कहा था कि जो सरकार गरीबों के लिए काम ना आ सके उस सरकार को चलने और रहने का कोई अधिकार है क्या। और हमने देखा है उनके शब्द केवल शब्द नहीं होते, उनके शब्द संकल्प होते हैं, उनके शब्द कार्यकर्ता और जनता को एक दिशा देने वाले होते हैं और उस संकल्प की पूर्ति में पूरे परिश्रम के साथ उनके नेतृत्व में सरकार लगी है। तो विशेष रूप से इन दो वर्ष और कुछ महीनों में योजनाएं बहुत सारी हैं,
लेकिन पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के विचारों के परिप्रेक्ष्य में एक पहलू, विशेष रूप से गरीब कल्याण से जुड़े जो पहलू हैं, उसकी एक फिल्म यहाँ प्रदर्शित की जाएगी। उसमें प्रारंभ के कुछ अंश हमने माननीय अटल जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के भी एक दो प्रसंग जोड़ते हैं, वहां से हमने इसको शुरुआत किया है और आज तक जो यात्रा चली है उसका वर्णन उसमें है। आप सबकी जानकारी के लिए ये फिल्म आप सबको उपलब्ध होगी और ये अपेक्षा भी है कि जहां जहां भी ये कार्यक्रम होंगे ये दोनों फिल्म उन कार्यक्रमों में कार्यकर्ता और जनता तक नीचे तक पहुंचाने का हमारा प्रयास हो। मैं विशेष रूप से जो फिल्म बनाने वाले हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे आग्रह करूंगा, यदि उनकी तैयारी हो गई हो तो इस फिल्म का प्रदर्शन करें। विशेष रूप से फिल्म का एक शीर्षक हम दे सकते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब कल्याण और भारत और केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इस तरह से एक एक 12-14 मिनट की फिल्म है, इसको हम सब देखें और इसका कैसे अपने क्षेत्र में प्रसारित कर सकते हैं इसका विचार करें। ये फिल्म के पश्चात आगे की सूचनाएं मुरलीधर राव जी देंगे, भोजन के पश्चात हम अगले सत्र की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।
घर में कोई दुर्घटना हो जाए, हादसा हो जाए तो कितनी बड़ी चिंता खड़ी हो जाती है। मोदी सरकार ने इस चिंता को कम से कम तक करने के भी उपाय कर दिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लाई गई है। साल के सिर्फ 12 रुपए में हर किसी का दुर्घटना बीमा हो रहा है। ईश्वर करे कोई अनहोनी हो ही ना, पर जो हो गई दुर्घटना में मृत्यु तो बैंक देगा 2 लाख रुपए की रकम। इस योजना के तहत एक हाथ या एक पांव या एक आंख जाने की स्थिति में 1 लाख तथा दोनों हाथ या दोनों पांव या दोनों आंखों की अपंगता की स्थिति में 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। इस योजना के तहत अब तक लगभग 10 करोड़ लोग बीमा करा चुके हैं। गरीब महिलाओं की आधी जिंदगी घर का ईंधन जुटाने में गुजर जाती थी, आंखें युवावस्था में ही चली जाती थी। इस पीड़ा को पहली बार समझा मोदी सरकार ने। कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट एक ऐसा मंत्र है जिससे साधनहीन बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के लिए तैयार किया जा सकता है और इस भांति बेहतर भारत का निर्माण भी होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस दूरदर्शी सोच को साकार करने के लिए प्रारंभ हुई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। आप
21 के तहत अब तक लगभग 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। शिविर से विशेष रूप से सक्षम दिव्यांगों की तकलीफों को भी खूब समझा है मोदी सरकार ने। उनका ध्यान रखते हुए शुरू की गई है सुगम्य भारत योजना। अब स्कूलों कार्यालयों में इनका आना जाना सुगम बनाया जा रहा है। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर भवनों में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि इनका आना जाना सुगम रहे। ये सरकार हर अशक्त असक्षम के साथ खड़ी है। मोदी सरकार ने विश्व का सबसे बड़ा प्रतिरक्षण अभियान मिशन इंद्रधनुष शुरू किया है। इसके तहत टीकाकरण से छूट गए बच्चों और गर्भवती महिलाओं का मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है ताकि टीबी, पोलियो, हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया, टेटनस, काली खांसी और खसरा जैसी सात जानलेवा बीमारियों से उनकी रक्षा की जा सके। अभियान के तहत अब तक 2,80,00,000 से ज्यादा बच्चों और 55,00,000 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हो चुका है। मोदी सरकार की एक अति दूरदर्शी योजना है डिजिटल इंडिया। दुनिया भर में सराही जा रही इस योजना का उद्देश्य है भारत के हर एक गांव को संचार क्रांति की शक्ति से लैस करना ताकि गांव का किसान, उद्यमी और कारीगर आधुनिक तकनीक और नई प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सके, उसके सपनों को पंख लगे और वो भी उन्नति की उड़ान भर सके। इस कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए अप्रैल 2016 तक 1,39,000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर लाइनें बिछाई जा चुकी हैं। देश की 82% आबादी संचार सेवाओं से जुड़ चुकी है। समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उदय और उत्थान की योजनाएं और भी तमाम हैं। फसल बर्बाद हो जाए तो क्या गुजरती है गरीब किसान परिवार पर, कोई उससे पूछे। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की। इसकी सबसे अच्छी बात ये कि किसान मामूली से प्रीमियम दर पर अपनी फसल की बीमा कराता है तो उसे फसल के बर्बाद होने की सूरत में उच्चतम मुआवजा दिया जाएगा। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि अगले 3 सालों में कम से कम 50% किसानों तक इस योजना का लाभ पहुंचे। हर किसी को घर, हर घर तक सड़क, गांव गांव बिजली, डॉक्टर और अस्पताल, 5 किलोमीटर पर हाई स्कूल, इन सब का भी इरादा ठान लिया है मोदी सरकार ने। मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। आंगन, गली, गांव सब साफ रहेगा तो सुंदरता होगी, बीमारियों से बचाव होगा। सरकार गांव गांव, घर घर शौचालय बनवा रही है। लाज और सेहत दोनों की रक्षा हो रही है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत अब तक 82,302 गाँव में 2,48,00,000 शौचालयों का निर्माण हो चुका है और देश के 23 जिले खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। जिस बात को बड़े बड़े समाज शास्त्री, नीति नियंता, अर्थशास्त्री नहीं समझ पाए उसे प्रधानमंत्री ने पद में समझ लिया। एक से बड़ा एक सुखद फैसला है। हर कदम, हर राह अब हिम्मत है, हौसला है। गरीब अब लाचार न मजबूर रहेगा, अंत्योदय होके रहेगा मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प और यही फैसला है। अभी यह कार्यक्रम यहाँ समाप्त हो रहा है, अपने पास बहुत सीमित समय है। यथाशीघ्र हम सब लोग थोड़ा ध्यान दें। भोजन के लिए मेरे बाएं ओर एक पंडाल है, उसमें भोजन करने के लिए जाएंगे। भोजन एक अलग पद्धति से यहाँ के कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया है, जिसको केरला में परंपरागत पद्धति से सद्या कहते हैं। सबको सामूहिक केले के पत्तों में परोस कर बैठा कर खिलाते हैं और अपने पास समय की कमी है और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि 35 मिनट के अंदर सभी प्रतिनिधियों को इस हाल में भोजन कराएंगे।
और इसमें इसको ध्यान में रखते हुए सभी केवल प्रतिनिधि मात्र इसमें भोजन के लिए जाना है, जो सहयोगी है अन्य कार्यकर्ता है उनके लिए अलग से व्यवस्था है, उनको समय की कोई पाबंदी नहीं है। और इसमें जो पार्लियामेंट्री बोर्ड और अन्य वरिष्ठ नेतृत्व उनके लिए इसी हाल में अलग है, सबको समय को ध्यान में रखते हुए करने के लिए किया। और सभी प्रतिनिधि भोजन के उपरांत यहाँ 2:15 बजे ठीक 2:15 बजे इस सभा मंडप में एकत्रित होना है। आग्रह है 5 मिनट पहले पहुँचे और आगे की पंक्तियाँ जब बैठेंगे, औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रम है इसलिए आगे की पंक्तियाँ कुछ वरिष्ठ नेतृत्व यहाँ मंचस्थ हैं अभी उधर बैठेंगे, तो उस दृष्टि से वो छोड़कर अन्य आसनों का ग्रहण करे ऐसे सभी प्रतिनिधियों का अपेक्षा है। सभी प्रतिनिधि भोजन बैठा के करने वाले हैं तो इसलिए उसको ध्यान रखें और कम समय में, और वहाँ सभी कार्यकर्ता अधिकांश कार्यकर्ता परोसने में जो केरल के कार्यकर्ता वे स्वयं लगे हैं। और छोटे
छोटी बात है।